फ्रेंड्स, कल हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि एनआईएस डीएलएड के बच्चे जो दिल्ली में मौजूद है अभी, और उन्हें जो है एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल गया है, यानी अपॉइंटमेंट मिल गया है। हम आपसे बोलना चाहेंगे कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वहां पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिनसे हम कॉन्टेक्ट में है उन्हीं के थ्रू मिल रहा है। आप लोगों को ये बता दूं कि अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, इसके पीछे रीजन है और ये कब तक होगी, किस तरह से चीजें होंगी, उस पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है अभी बहुत बिजी चल रहे हैं। बिजी चलने का जो रीजन है वो अभी आप लोग सब जानते हो कि पार्लियामेंट में जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र तो है ही, जिसकी वजह से सभी मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो बिजी हैं। इसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी बिजी है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हो कि बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन होता है, बहुत सारे बिल पास किए जाते हैं, तो एक हेवी ड्यूटी, हेवी काम जो है इसमें चलता रहता है। उसके साथ साथ संसद पे जो लड़के घुस गए थे उसके वजह से भी जो है बहुत सारे लोग जो कि कांग्रेस के हैं, बाकी सारे पार्टियों के भी है, वो संसद के बाहर जो है लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि ये माहौल और ज्यादा गर्मा गर्मी का हो चुका है और काफी बिजी स्केड्यूल जो है सारे मिनिस्टर्स का हो गया है। ये एक रीजन बन रहा है कि उनका अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिल पा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, वहां पे नंदन बोहरा जी हैं वो बैठे हुए नहीं है, पप्पू जी हैं वो भी बैठे हुए नहीं है, जितने हमारे अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए नहीं है। लगातार वो लोग कोशिश जो है कर रहे हैं। हम आपको ये चीजें बताते हुए चले कि कल तक जो है क्या अपडेट हुआ है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक प्रोसेस में जो है ये काम चलता है। जैसे कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना है तो अभी लगातार डायरेक्टली जो है जाकर के उनसे नहीं मिला जा सकता, क्योंकि अभी वो सारे इंपॉर्टेंट काम जो है कर रहे हैं, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं चीजों पर वो या तो मुलाकात करते हैं तो ध्यान देते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई भी मिनिस्टर या किसी भी विधायक के थ्रू जो है वहां पर पहुंचा जाए, उनके थ्रू जो है लेकर जाए और फिर एजुकेशन मिनिस्टर उस बात को कंसीडर करे। इसी को लेकर के नंदन बोहरा जी जो है मिले हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये आपको दुष्यंत कुमार गौतम जी का जो है उनसे मुलाकात उनकी हुई है, और ये राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद है, उत्तराखंड प्रभारी भी है। तो इनसे जो है मुलाकात की गई है, इनसे अपनी बातों को बताया गया है कल, और एनआईएस डीएलएड के बच्चों के साथ किस तरह से अन्याय हुआ है ये चीजें हुई हैं, और उनसे एक लेटर लिया गया है कि एक लेटर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर को दे, उनको बताए कि हम यहाँ पर जो है दो दिन से तीन दिन से हैं और हमारी बातों को सुने, एक मुलाकात एक अपॉइंटमेंट जो है वो दे दे जिसमें वो उनको जो है अपनी बातों को समझाया जा सके। मैं आपको लेटर भी दिखा देती हूँ, आप ये लेटर देख लो। इसमें जो है दुष्यंत कुमार जी का जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, साइन भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि नंदन बोहरा जी जो है उनसे मुलाकात हुई है, वो शिक्षक महासंघ के डीएलएड एनआईएस डीएलएड टीयूटी शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष है। उनसे ये पता चला है कि किस तरह से जो है एनआईएस डीएलएड के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी मान्यता रद्द की गई है। इसमें बताया गया है कि एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को भारत का राजपत्र में प्रकाशन करने के लिए निवेदन किया है, जिसकी प्रति भी साथ में दी गई। और ये भी निवेदन है कि नियमानुसार इस संबंध में इनकी यथासंभव मदद करने की कृपा करें। तो ये दुष्यंत कुमार जो गौतम जी है इनके थ्रू जो है ये लेटर दिया गया है, ताकि ये लेटर अब जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर के पास, शिक्षा मंत्री के पास, और वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी इसको कंसिडर करेंगे, और उसके बाद अगर उन्हें लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मामला है तो वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि एनआईएस डीएलएड के बच्चों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे, और अगर इस तरह की कुछ भी चीजें हो रही है तो उसके पीछे रीजन है, प्लीज इसको कंसिडर कीजिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अभी चल रही है दिल्ली में। दिल्ली अभी शांत नहीं है, नॉर्मल टाइम जैसा भी दिल्ली नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें उसमें जो है चल रही है, जिसकी वजह से जो है एजुकेशन मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में इतना ज्यादा लेट लग रहा है। आप लोगों को बस डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जो है जो हमारे ऊपर आपने ट्रस्ट बना करके रखा है वो ट्रस्ट जो है बना रहे। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा, चाहे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या मीटिंग से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म की जाएगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।